सो दोस्तों लो बजट में आप कोई प्रीमियम ईयरबड ढूंढ रहे हो तो भाई बोल्ट अस्ट्रा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि भाई लुक्स में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, स्पेसशिप जैसा लुक है जो कि कमाल लगता है देखने में, और इसका जो एलईडी लाइट इफेक्ट है ना सुपर है ब्रो। और इसकी खास बात यह है कि भाई गेम मोड में भी इसके बर्ड्स में आपको एलईडी इफेक्ट्स मिल रहा है। ये फीचर्स बहुत ही कम, ऑलमोस्ट अभी तो ना ही हो गया, कोई भी ब्रांड गेम मोड में एलईडी इफेक्ट्स नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर आपको एलईडी इफेक्ट्स मिल रहा है गेम मोड में, तो भाई और क्या चाहिए। और अगर फीचर्स देखें तो भाई 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, तो भाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है, साथ ही में एसी ब्लूटूथ कोड भी सपोर्ट करता है, जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया आपको इसमें सुनने को मिल रहा है। और 45 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी भी है फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। और इसमें आपको क्वाड माइक देखने को मिल रहा है, एक एक वर्ड में दो माइक इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से गेमिंग के टाइम और कॉलिंग के टाइम कमाल का माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। और सिंक मोड का भी फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है, इससे क्या होगा जैसे आप केस को खोलोगे क्विकली आपके फोन के साथ पेयर अप हो जाएगा, आपको बर्ड्स भी निकालना नहीं पड़ेगा, और बर्ड्स को अंदर रख के जैसे आप केस को बंद करोगे आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो भाई कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट है। और 13mm का लास्ट ड्राइवर है फॉर बेटर बेस, और IPX5 का वाटर रेटिंग है, और ये प्रोडक्ट आपको टोटल 3 कलर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने व्हाइट खरीदा क्योंकि मुझे व्हाइट ज्यादा कूल लगा। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ऐसा दिखता अपना प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर आपको बोल्ट अस्ट्रा का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, बॉक्स के सराउंडिंग में कुछ नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट किया, इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। और डब्बे के पीछे की तरफ ऊपर की फीचर्स है, थोड़े ही नीचे ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे एड्रेस, MRP, प्राइस, बस इतना ही। तो चलिए अभी जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, ये है कुछ पेपर वर्क, ये है कूपन कोड, पीछे है SW100 रुपीज कूपन कोड है, अप्लाई कर लेना दोस्तों। और यह है यूजर मैनुअल जिसके अंदर कुछ खास इन्फो नहीं, इन्होंने अपने फंक्शन को और थोड़े फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और यह है वारंटी कार्ड, इस बार कोड को स्कैन करके अगर आप वारंटी रजिस्टर करोगे तो आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगा। और यह है टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन काफी छोटा है। और यह है 2 जोड़ी 8 टिप्स, लार्ज एंड स्मॉल, मीडियम साइज का बर्ड्स में लगा है। और अभी क्लोज को केस की तरफ, सुबह केस का लुक बहुत ज्यादा बढ़िया है, ऊपर आपको बोल्ट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और पूरा मैट व्हाइट कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और ऊपर जो इन्होंने हम बना रखा है, हम के बीच में मैट व्हाइट कलर है, और साइड में ग्रॉसी व्हाइट कलर का फिनिश प्रोवाइड कर रखा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और सराउंडिंग में आप देख सकते हो भाई काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। और नीचे के साइड पूरा सिंपल रखा है, पीछे के साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, 2 चार्जिंग पोर्ट दिया, आप इसे भी चार्ज करो चार्ज हो जाएगा, दोनों फंक्शनेबल है। और भाई टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी ऐसी दिखता है ना एग्जॉस्ट टाइप का, तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, पूरा स्पेसशिप का लुक दे रखा है। और आगे की साइड से आप देख सकते हो ब्लैक कलर सुपर लग रहा है दोस्तों, लुक्स में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है भाई, जितना तारीफ करो उतना कम है भाई, लुक्स में सही लगा मुझे। और आप ऑल ओवर केस का लुक देख सकते हो भाई, केस का लुक लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बल्की है देखने में, जिस वजह से भाई जींस के साइड पॉकेट में इजीली एडजस्ट नहीं होगा, पूरा बड़ा पॉकेट लेगा। और कैप का मैग्नेटिक इफेक्ट भी ठीक ठीक ही है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, एकदम टाइट भी नहीं है, जिस वजह से पूरी तरह से वन हैंड यूजेबल है ये प्रोडक्ट, आप इजीली एक हाथ से केस खोल सकते हो, बर्ड्स निकाल सकते हो, बर्ड्स रख सकते हो। और केस खोलने के बाद जो लुक है ना भाई, वाओ बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है भाई, जो येलो एलईडी इफेक्ट्स इन्होंने लगा रखा है ना भाई, कमाल लग रहा है देखने में, केस बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। और ये लाइट इफेक्ट सिर्फ 30 सेकंड्स का है, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और अभी आप नाइट लुक देख सकते हो भाई, अंधेरे में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, येलो लाइट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हाँ दिन के उजाले में विजिबल नहीं रहता है, रात में ही कमाल लगता है देखने में। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, सुबह बर्ड्स का लुक भी बहुत सही लग रहा है, और जैसे उन्होंने बर्ड्स को डिजाइन दिया ना भाई, ये डिजाइन काफी अच्छा लगा मुझे। और ऊपर आपको बोल्ट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और ऊपर एलईडी के पास इन्होंने एक होल दे रखा है, यहाँ पर फिट है फर्स्ट माइक, सेकंड माइक कहाँ पर है एकदम नीचे, आप एक और होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका सेकंड माइक, तो भाई डुअल माइक इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने ENC के साथ। और आप ऑल ओवर बर्ड्स का लुक देख सकते हो भाई, बहुत सही लग रहा है, आगे के साइड है मैट व्हाइट कलर, और पीछे के साइड है ग्रॉसी व्हाइट कलर, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है भाई, लुक्स में मुझे बहुत ज्यादा सही लगा, ये काफी प्रीमियम है। और दोस्तों इसके गेम मोड में भी आपको एलईडी इफेक्ट्स मिल रहा है, जो कि आप अभी देख रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है भाई, रात के अंधेरे में तो भाई कमाल लगता है। और बहुत ज्यादा लाइट नहीं जलता, बस ऐसा ब्लिंक होता है बीच बीच में, जिस वजह से भाई ज्यादा बैटरी भी नहीं खींचता इसका गेमिंग इफेक्ट्स। और अभी भी आप एलईडी इफेक्ट्स देख रहे हो, जब तक बर्ड्स कनेक्ट नहीं होगा ये इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, कनेक्ट होने के बाद एलईडी ऑफ हो जाता है। और अभी फंक्शन देखे तो आप सिंगल टच से सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो, कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको डबल टच करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे, और वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए आपको 2 सेकंड लॉन्ग टच करना है दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे, गेम मोड ऑन ऑफ करने के लिए 4 टच करना है, नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको डबल टच करना है, वॉल्यूम अप डाउन के लिए आपको ट्रिपल टच करना है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि बर्ड्स इसके अंदर, और उल्टा करके अगर आप धीरे से भी झटका मारोगे ना भाई गिर जाएगा, तो भाई उल्टा मत करना, सावधानी से इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा लूज है इसका बर्ड्स, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा लूज है। अभी सुनते हैं बचता है क्या।
बसता नहीं है भाई, ये काफी बढ़िया लगा मुझे इसका, फिटिंग काफी जबरदस्त है। और अगर इसके फील एंड कंफर्ट के बारे में बात करें तो भाई फील एंड कंफर्ट बेस्ट, आप पूरा दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा, कंफर्ट बहुत बढ़िया है। और बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा है, सीलिंग फैन के नॉइस को, कूलर फैन के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है, कुछ भी सुना नहीं देता, पूरा सन्नाटा हो जाता है। तो भाई बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन बेस्ट लगा, साथ ही में इसका फिटिंग भी जबरदस्त है, जिस वजह से आप इसे पहन के धीरे जॉगिंग भी करोगे ना तब भी आपके कानों से नहीं गिरेगा, जिमिंग के लिए तो ये है ही परफेक्ट। लेकिन भाई आपको तेज रनिंग नहीं करना है तब जरूर आपके कानों से गिर सकता है। और इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता, यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और रही बात साउंड एक्सपीरियंस का, तो भाई वोकल्स एकदम क्लियर एंड लाउड है, और जैसे इंसान का आवाज एकदम वैसा ही वोकल डिलीवर करता है, तो भाई वोकल्स काफी अच्छा है। और ट्रिबल चन का भी बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, छन छन सा मारता है इसका ट्रिबल, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा हाई पावर बूम पंची बेस सुनने को मिल रहा है, भाई इसका बेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कानों में बूम बूम सा मारता है इसका बेस, बहुत ज्यादा सॉफ्ट पंची बेस है। तो भाई अगर आप बेस के दीवाने हो तो आपको ये लेना ही चाहिए भाई, प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगा मुझे। 90% की पर हल्का सा डिस्टॉर्टेड आवाज होता है, और हाँ 90% की पर हल्का सा डिस्टॉर्टेड होता है इसका आवाज, ज्यादा आवाज भी नहीं फटता इसका, तो भाई इसका लाउडनेस भी बहुत बढ़िया है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे क्योंकि भाई 13mm का लास्ट ड्राइवर है। तो चलिए अब एक गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और इसका मैंने कॉम्पैक्ट मोड ऑन कर रखा है, आप देख सकते हो ब्लिंक हो रहा है, और अभी देखते हैं भाई लो लेटेंसी कैसा है। और अप्रॉक्स मेरा 60-70 का पिंग आ रहा है, 80 का आ रहा है, 70 का आ रहा है, सही है, चलिए देखते हैं। अभी प्रोमोशन में देख लेते हैं एक बार, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इन्होंने कहा है 50 मिलीसेकंड स्लो लेटेंसी, और वो इन्होंने सही में दिया है, तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस बेस्ट लगा मुझे। तो भाई ऑलराउंडर है ये, गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, साउंड एक्सपीरियंस भी बेस्ट है, और क्या चाहिए, और भाई लुक्स में तो ये है ही प्रीमियम। तो चलिए अभी एक माइक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पे, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है बोल्ट अस्त्रा का माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइस है, अगर इस नॉइस को रिड्यूस कर रहे हैं मतलब सीलिंग फैन के नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर सकता है। वैसे इसमें आपको क्वाड माइक मिल रहा है, और वो भी ENC नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट तो बनता ही है। तो दोस्तों ये मेरे पास फेज है जो कि काफी ज्यादा नॉइस है, अभी नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है नहीं। और ये है साइड नॉइस कैंसिलेशन, अगर साइड का नॉइस आएगा तब कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा, और अगर इसमें कि अगर सामने से नॉइस आएगा तब कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा, बाइक ड्राइविंग के टाइम सामने की आवाज अच्छे में चलते कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देख सकते हो दोस्तों बाल उड़ गए मेरे, काफी ज्यादा नॉइस ही रहता है, तो बस ये तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका माइक एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है, इंडोर यूज करने के लिए बेस्ट है, आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है, साथ ही में जैसा आपका आवाज एकदम वैसा ही ग्रैब करता है। लेकिन आउटडोर यूज करने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि भाई नॉइस के चक्कर में कुछ समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। वैसे वोकल्स तो सही से डिलीवर करता है नॉइस में भी, लेकिन भाई फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जैसे कि आपने सुना। बैटरी परफॉर्मेंस देखिए तो इन्होंने कहीं पर भी शेयर नहीं किया है कि इसके केस में और इसके बर्ड्स में कितने एमएच का बैटरी फिट कर रखा है, और इसका बर्ड्स मुझे 100% वॉल्यूम में 5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है, और इसके केस से मैं इसके बर्ड्स को 3 बार फुली चार्ज कर पा रहा हूँ। सो 5+15 टोटल 20 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 100% वॉल्यूम में, और 50% वॉल्यूम में इजीली 40 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो इसका बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 90 मिनट 15 वाट चार्जर से। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 वाट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। और IPX5 का वाटर रेटिंग है, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ होगा नहीं, बोले तो गीला हाथ लग गया, पसीना लग गया तो भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई पानी में डुबकी मार लिया तुरंत निकाल के चावल की बॉडी में डाल देना, बच जाएगा ये, नहीं तो भाई खराब होना पक्का श्योर है, तुम्हारे भाई का पहले ही काफी सारा खराब हो चुका है। सो पानी से थोड़ा सावधानी से ही आप इसका इस्तेमाल करना। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।